गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोपहर के बज रहे 12:30 और आज का व्लॉग बहुत ही लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि कल हमारा जो एडिटिंग चल रहा था, ये व्लॉग मैंने जो अपलोड करके रखा था उसमें एक इश्यू हुआ था। जैसे ही हमारा पीसी में हम लोग एडिट कर रहे थे, लास्ट की 1-2 मिनट बाकी थी और पीसी हैंग हो गया था और बंद हो जाता था। जैसे ही हम लोग दूसरी बार भी ओपन करके उसको स्टार्ट करते थे एडिट करना, वो बंद हो जाता, इसलिए हमने दूसरे पीसी में लिया और सारी चीज़ें फिर से एडिट करके रखी थी। इसलिए कल का व्लॉग भी शायद कल 12-1 बजे आया था और सोने में भी बहुत देर हो गया था। तो अभी आज तो बस फ्रेश रेडी होकर उठाऊँ और बाजू वाले आंटी ने अभी ये तो जो अड़दिया दिया है तो वही टेस्ट करते। एक्चुअली वो बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाते हैं। लास्ट टाइम जो आपने खिचड़ी भी देखी होगी मेरी मैक्सिकन, वो भी उनसे इंस्पायर होकर बनाई थी। वो लोग बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी बनाते हैं तो उनसे ही सीख कर मैंने बनाया था। ये अड़दिया भी उन्होंने क्लास बनाया है, जो बाजू के पद्मा आंटी, वो बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाते हैं। जनरली हम लोग अड़दिया खाते तो इतना अच्छा नहीं लगता है टेस्ट, किसी को भी नहीं पसंद होता होगा यहाँ पर, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बना है। ऐसा बिल्कुल भी वो बहुत जैसा कड़वा होता है ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छा है। देखते हैं मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। शु करो जो बस टीवी जो ये अच्छी है। पापा यहाँ पर टीवी देख रहे हैं। देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। शु करो मम्मी। मूंगफली का मजा ले रही हूँ। वैसे तो फोलने बैठी हूँ लेकिन फोलती कम हूँ और खाती ज्यादा हूँ। ओके तो मम्मी मूंगफली फोल रही है गांव से आई हुई। तो मधुबेन आ गए हैं वासन घसने के लिए। कैसे हो मधुबेन? मम्मी बोलो। बहुत दिनों से भजन नहीं हुआ तो भजन हो जाए। आज सुसोवर सुनावाणा वही गया तो हजुए काल सवारनी वात रे। सहजानंद स्वामी गढ़पुर जोता श्री जी मने सांभड़े। गजब गजब। गढ़पुर जोता श्री जी मने सांभड़े। ये एवी गुणियल मूर्ति छे गोपीनाथनी। दर्शन करता दिल सुख थाई रे। सहजानंद स्वामी गढ़पुर जोता श्री जी मन सांभड़े। गजब गजब क्या गाया है ये मधुबेन। हमारे बहुत उतावल करते हैं। जाए हम तो मोड़ आओ ब्याले नहीं जाते। ये मधुबेन का काम खत्म हो गया है और वो घर जा। हां बाकी खत्म। तो भैया जी जैसे उत्तरायण गुजरात का सबसे बेस्ट फेस्टिवल है वो आ रहा है, तो उसके जो दोरी को रंगते जैसे उसको घिसते उसके कलर्स होते हैं, वो जहाँ घिसी जाती है वहाँ जो कलर करते हैं उसके कलर्स वीडियोस में बहुत अच्छे आते हैं। तो वही चीज़ें आज उसकी रील्स भी बनाने का सोच रहा हूँ कि कुछ सिनेमेटोग्राफी शूट करके आए। और आज बहुत दिनों बाद नवीन को भी साथ में ले जा रहा हूँ शूट करने के लिए। तो हम लोग यहाँ नारायणपुरा एरिया में आए हैं जो काफी मतलब यहाँ फेमस है दोरी ने घिसते। मैं और नवीन जस्ट अभी अभी शूट करके आए। ये देखो सागर भाई ने पतंग उड़ा ली है, ये गिर गई। लपेट लपेट लपेट।
बंदर को हम लोग परेशान कर रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग जैसे उसको जाए वो क्या करता है, उसके रिएक्शन देखते हैं, उसकी पूंछ अड़ी, लेकिन उसको पतंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, ये लुटेरिया नहीं है, ये लूट हमारे जैसे इंसान होते तो कब के लूट लिया होता पतंग। ये देखो भाग गए, भाग गए। पतंग पकड़ लिया दूसरा, ये देखो दो दो इंजॉयमेंट का लेवल कुछ अलग ही है आज। हमारे दो पतंग के पेचे लड़ रहे हैं लेकिन हम नहीं करते लेंगे। यहाँ गुजरात में ऐसा पड़ोसी व्यवहार होता है कि जैसे हमें पता चलता है कि ये हमारा ही पतंग है तो उसको बोल देते हैं ये हमारा ही, हम कटने नहीं देते इसको। दो पतंग आज पकड़े, ये एक हमने चगाया था, ये पकड़ा हुआ है। दो पतंग चगाने का पहली बार एक्सपीरियंस किया है एक साथ में। तो ये इवनिंग का टाइम होता है तब सनसेट के टाइम पतंग चगाने का जो मज़ा आता है नेक्स्ट लेवल, वो नेक्स्ट लेवल का होता है, एकदम प्रो लेवल का। जे खेचिन पतंग कापानी मज़ा आ जाए ना यार। तो ये नवीन एक्सट्रीम प्रो लेवल का खींच रहा है और एक पतंग भी गिरा दी। लपेट लपेट लपेट। आज का ब्यूटीफुल सनसेट। चगाना तो इजी है लेकिन ये जो बाद में मेहनत है ना ये मीटने की, वो बहुत हार्ड है, वो बहुत हार्ड है।